पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, मेरी सोनिया जी से ही प्रार्थना है कुछ तो सिखाएं इनको, वरना अगले बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। दे दिया है और कई आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी पे, सुनती नहीं है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही है। देखो ये बात पहले भी आ चुकी है कि चुनाव आते आते तक दीदी, उनके भैया, उनके भतीजे बस यही रह जाने वाले। मैंने दीदी का भी बयान पढ़ा उनके कल इस्तीफे के बाद में, वो कह रही थी कि लोग वहां जाके, वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास, उसकी आलोचना कर रही थी। वो एक शायरी याद आई मैं कि जब तक वो हमारे साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। प्राथमिकता दी गई है बजट में, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सड़कों पर आ जाएं, सड़कों पर कह रहे हैं और जितने राजनीतिक दल हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि आइए और इसका समर्थन कीजिए। वो जानते हैं कि किसान तो आएगा नहीं, अब राजनीतिक दलों से ही अपील करनी पड़ेगी। किसान को भड़काने की कोशिश तो वो खुद जा के कह चुके, मध्य प्रदेश के बारे में बोल चुके, किसानों के बीच में जाके बोल चुके। किसान इस बजट को मध्य प्रदेश का भली भांत समझ रहा है। तथाकथित ये राजनीतिक लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जिन्हें देश का जो विश्वगुरु बनने की तरफ माननीय मोदी जी भारत को ले जा रहे हैं उससे पीड़ा हो रही है। प्रसव वेदना से ग्रसित कुछ राजनेता इस तरह की ट्वीट करते हैं। कांग्रेस की मंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री हैं। हम कांग्रेस की तो कह रहा हूं मैं, कांग्रेस के मंत्री पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की करेंगे। उनके नेता राहुल गांधी चीन की करते हैं। अकेले राहुल गांधी जी या पंजाब की मनप्रीत जी की बात नहीं है, भूरिया जी की बात नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है। आप तो पूरे कल्चर को लो ना, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी होगा वो विदेश की तारीफ तो करेंगे, मूल पिंड तो वही विदेश का है ना, स्थापना भी कांग्रेस की विदेशी ने की थी। जिसमें भारत का अपमान होगा उसमें ही कांग्रेस को आनंद आता है, बस इतनी सी सोच रह गई है। और यही कारण है कि ये हंस रहे कि 10 साल में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। बजट को लेकर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि करुणा वाला हमारा जो पदक है वो हम इसी महीने में उन सबको, करुणा योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। और वास्तव में अद्भुत काम था, जब भी करुणा का जिक्र होगा हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज का जिक्र होगा और पुलिस के कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक का जिक्र जरूर होगा। उस विपत्ति की घड़ी में एक अस्पताल के अंदर और एक सड़क के ऊपर, जब हम सब घरों के अंदर कैद थे तब वो सड़क पर थे, जब हम सब अपने परिजनों से अस्पताल में मिलने में डरते थे तब वो उनकी सेवा करते थे। वो अभिनंदनीय है, वो वंदनीय है, उनका अभिनंदन हम करेंगे करुणा योद्धा का।